जयपुर से पीएचईडी में तबादलों से पहले नए पदों पर पोस्टिंग मिल सकती है। तबादले से बैन हटने में देरी हुई तो फिर नए पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। प्रमोशन के बाद पोस्टिंग की तैयारी विभाग में तेज हो गई है। इंजीनियर्स मनपसंद पदस्थापना के लिए लॉबिंग में जुट चुके हैं। उन्हें अपनी पसंद की जगह पर जाना है, पसंद के शहर में जाना है, पसंद के विभाग में जाना है। चीफ इंजीनियर से लेकर एईएन तक नए पदों पर उन्हें पोस्टिंग मिलने वाली है। डीपीसी में जलदाय विभाग को 4 नए चीफ इंजीनियर मिले थे और जलदाय विभाग जल्द ही ये पदस्थापना की सूची जारी कर सकता है। हालांकि उच्च ऑफिसर्स चाहते थे कि प्रमोशन के तुरंत बाद पोस्टिंग हो, लेकिन अब 133 नए पदों पर एक्सरसाइज के बाद ही पोस्टिंग मिलेगी। वैसे आईएएस की तबादला सूची के बाद विभाग में तबादले होंगे ही। तबादलों से बैन हटने के बाद ही इंजीनियर्स को उनकी नई सीटों पर भेजा जाएगा। परफॉर्मेंस को देखते हुए चीफ इंजीनियर्स की सीट बदली जा सकती है। मेरे सहयोगी आशीष चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, जल्दी ही परफॉर्मेंस के बेसिस पर चीफ इंजीनियर्स की सीट बदली जा सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा और कौन कौन से ऐसे आधार होंगे जिस बेसिस पर लोगों के ट्रांसफर होंगे या उन्हें नई पदस्थापना मिलेगी? देखिए, यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देगी, बल्कि जो लॉबिंग है, जिनका राजनीतिक रुतबा हावी है, उनको यहाँ पर जो पद स्थापित है वो किया जाएगा। हालांकि देखिए, जो जिनका प्रमोशन हुआ है उनका पद स्थापित होना तो तय है, लेकिन जो प्राइम पोस्टिंग है उनका जो प्रमोशन, जो सीट पर तैनात किए जाएंगे, वो उन्हीं का जो लगभग ये माना जाता है कि जिनकी लॉबिंग सबसे ज्यादा हावी है और जो राजनीतिक रुतबा जिनका ज्यादा है, उन्हीं के जो जो प्राइम पोस्टिंग है वहां पर दी जाएगी। 133 नए पदों पर जो पोस्टिंग है उसकी तैयारी जलदाय विभाग ने पूरी लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही ये जो प्रमोशन के बाद में जो तोहफा है वो मिल सकता है। लेकिन ये जो पोस्टिंग है वो तबादलों से पहले जलदाय विभाग में मिल सकती है, ऐसी जो सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जो प्रमोशन के बाद में जो तबादले होंगे जलदाय विभाग में, वो पहले तबादले से बैन हटने के बाद में होंगे, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो इंजीनियर्स की जिनके नई प्रमोशन के बाद में पोस्टिंग हुई है वो पोस्टिंग होनी है। जो कह सकते हैं हम कि जल्द ही ये पोस्टिंग जलदाय विभाग में लंबी फेहरिस्त, लंबी सूची निकलने वाली है जी। और तमाम जो इंजीनियर्स है, चीफ इंजीनियर से लेकर एएन तक की जो पोस्टिंग है उसमें इन्हें दी जाएगी। तो सीधे तौर पर जल्द ही ये सूची जलदाय विभाग से निकल सकती है। तो मतलब इंतजार करना होगा सूची का। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।